दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच अब रूस पर सिविल वॉर का खतरा मंडरा रहा है और इस बीच फंसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दरअसल रूस के वैगनर ग्रुप के चीफ येगवेनी प्रिगोजिन ने रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ बगावत कर दी है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर शेयर किए गए कुछ वीडियो में येगवेनी प्रिगोजिन ने रूस के डिफेंस मिनिस्टर को पोस्ट से हटाने तक का ऐलान कर दिया है और रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर रोस्तोव ऑन डॉन पर कब्जा करने के लिए अपने सोल्जर्स को भेज दिया है। जी हां, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी डर सताने लगा है कि उनकी प्राइवेट मिलिशिया वैगनर ग्रुप उन्हें सत्ता से ना उखाड़ फेंके। इस डर के कारण पुतिन ने रूसी प्रेसिडेंशियल ऑफिस क्रेमलिन की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए टैंकों की तैनाती के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसके अलावा क्रेमलिन के आसपास भी मिलिट्री की गाड़ियों की भारी तैनाती कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि प्रिगोजिन ने बगावत क्यों की, वफादार बागी कैसे बन गया और इसके बाद व्लादिमीर पुतिन और डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या रिएक्शन रहा और अब वहां कैसे हालात हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक दोस्तों हमारे साथ। दोस्तों, वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी है जो पिछले कई सालों से अपने मिलिट्री और खुफिया ऑपरेशंस को लेकर विवादों में रही है। जी हां, इस ग्रुप पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के कई आरोप भी लगे हैं। फिलहाल ये ग्रुप यूक्रेन में रूसी सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहा है, लेकिन इसी बीच अचानक क्या हुआ कि वैगनर ग्रुप के रूस के खिलाफ ही बगावत शुरू कर दी है। एक तरफ जहां यूक्रेन युद्ध में येवगेनी प्रिगोजिन के भाड़े के सैनिकों वाला वैगनर ग्रुप फ्रंटलाइन पर लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास रहे येवगेनी प्रिगोजिन और रूसी सेना के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। प्रिगोजिन ने डिफेंस मिनिस्ट्री पर वैगनर ग्रुप को यूक्रेन में हथियार नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने 23 जून को कई वीडियो और ऑडियो शेयर किए हैं जिसमें प्रिगोजिन ने आरोप लगाया है कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन में वैगनर ग्रुप को रॉकेट से हमला करने का ऑर्डर दिया है, जहां उनके सोल्जर्स रूसी सेना के लिए लड़ रहे हैं। इन हमलों में उसके कई सैनिक मारे गए हैं। वैगनर ग्रुप के चीफ ने यह भी कहा है कि रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु रूसी सैन्य जनरलों के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और अंत तक जाएंगे और जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे तबाह कर देंगे। प्रिगोजिन ने कहा है कि वो डिफेंस मिनिस्टर शोइगु से इसका बदला जरूर लेंगे और रूसी सेना इस मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। इसके बाद वे अपने सोल्जर के साथ यूक्रेन से लेकर रूस की सीमा में घुस गए और 24 जून को उन्होंने ऐलान कर दिया कि उन्होंने साउदर्न सिटी रोस्तोव में रूसी सेना के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद उन्होंने मॉस्को की तरफ बढ़ने का ऐलान कर दिया। इन सब से रूस के आंतरिक कलह खुलकर दुनिया के सामने आ गई है दोस्तों। वहीं प्रिगोजिन के बगावत के बाद रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इंस्टेंट रिएक्शन दिया है और प्रिगोजिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। हथियारबंद बगावत के आरोप में प्रिगोजिन को 20 साल की सजा हो सकती है। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी कि FSB ने वैगनर ग्रुप के सैनिकों से अपील की है कि वह प्रिगोजिन के ऑर्डर मानने से इनकार कर दें। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए मॉस्को की सड़कों पर भी मिलिट्री की गाड़ियां तैनात कर दी हैं। साथ ही रूस के मिलिट्री हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी गई है। हम अपने देश और लोगों की सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए आप चिंता ना करें, हम हथियारबंद बागियों को करारा जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने अपने इस बयान में वैगनर ग्रुप और प्रिगोजिन का खुलकर नाम नहीं लिया। वहीं से पहले प्रिगोजिन के जो भी वीडियो सामने आए हैं उसमें उन्होंने भी पुतिन का नाम नहीं लिया था। वह सीधे डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए इससे व्लादिमीर पुतिन की कुर्सी पर फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है दोस्तों। लेकिन इस बगावत के बाद देश में अशांति का माहौल बन गया है। यूक्रेन युद्ध के साथ साथ अब सिविल वॉर का खतरा व्लादिमीर पुतिन के गले में कांटे की तरह अटक गया है। जी हां, बता दें कि पिछले दिनों भी प्रिगोजिन ने कई वीडियो शेयर कर रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री पर उनके सोल्जर्स को वेपन्स और रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं कराने के आरोप लगाया था। प्रिगोजिन ने खुलेआम रूसी डिफेंस लीडरशिप की काबिलियत पर सवाल उठाए थे और जमकर आलोचना भी की थी। इस बगावत के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि मॉस्को में काउंटर टेररिज्म स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाने का घोषणा कर दी गई। इसके अलावा नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी ने मॉस्को और इसके आसपास आतंकी घटनाओं की आशंका को देखते हुए एंटी टेरर ऑपरेशन भी चलाया। यूक्रेन से सटे वोरोनेज शहर में भी इमरजेंसी लगा दी गई है। रूसी सरकार ने रोस्तोव और मॉस्को के बीच हाईवे को बंद कर दिया है और वैगनर के ऑफिसर्स पर छापेमारी भी की गई है। प्रिगोजिन के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को खोल दिया गया है। हालांकि रूस में प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के बगावत महज 24 घंटे में थम गई और इसी के साथ रूस पर जो सिविल वॉर खतरा था वो भी टल गया। अब सवाल यह है कि पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि प्रिगोजिन ने पीछे हटने का फैसला कर लिया। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास के अकॉर्डिंग पुतिन ने फोन पर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव से बात की है। इसके बाद तुर्की के प्रेसिडेंट का एक बयान सामने आया कि पुतिन वैगनर ग्रुप से समझौता करना चाहते हैं और हम इस पीसफुल सेटलमेंट में उनकी मदद करने को तैयार हैं। रूस और वैगनर चीफ प्रिगोजिन के बीच सुलह कराने का ये काम बेलारूस के राष्ट्रपति ने किया है दोस्तों। जो यहाँ दोनों के बीच एक समझौता हुआ है जिसके बाद येवगेनी प्रिगोजिन ने अपनी सेना को पीछे हटाने का फैसला कर लिया है। वैगनर ग्रुप चीफ प्रिगोजिन ने कहा है कि सोल्जर वापस कैंप में लौट जाएंगे, यानी जहाँ यूक्रेन में वो सब
बेस बनकर लड़ाई लड़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने तब ये भी कहा कि उनके लड़ाके मॉस्को से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर खड़े थे, लेकिन खून खराबे से बचने के लिए उन्होंने पीछे हटने का डिसीजन लिया है। हालांकि प्रिगोजिन ने यह भी नहीं बताया कि इस अग्रीमेंट में रूसी राष्ट्रपति ने डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु को हटाने की मांग मानी है या फिर नहीं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की इस डील के अकॉर्डिंग प्रिगोजिन बेलारूस चले जाएंगे और बदले में उनके खिलाफ लगा विद्रोह का आरोप वापस लिया जाएगा। साथ ही वैगनर ग्रुप के सोल्जर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ ही वैगनर के जो सोल्जर्स इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे, वे रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनके लिए काम करेंगे। इस डील के अकॉर्डिंग फिलहाल प्रिगोजिन खुद बेलारूस चले गए हैं। लेकिन इतनी देर से आप जिस वैगनर ग्रुप के चीफ के बारे में सुन रहे हैं, क्या आप जानते दोस्तों वह कभी पुतिन के रसोईया हुआ करते थे? जी हाँ, ये सच है दोस्तों। प्रिगोजिन का जन्म 1961 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। 20 साल की उम्र में ही उस पर मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी जैसे कई केस दर्ज हो गए थे। इसके बाद उन्हें 13 साल की सजा भी सुनाई गई। हालांकि उन्हें 9 साल में ही जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद प्रिगोजिन ने हॉट डॉग बेचने के लिए स्टॉल लगाना शुरू कर दिया, जो काफी अच्छा चला। इसके बाद उन्होंने महंगा रेस्टोरेंट खोला। येगवेनी का रेस्टोरेंट इस कदर फेमस हो गया कि लोग इसके बाहर लाइन लगाकर वेट करने लगे। पॉपुलैरिटी बढ़ी तो खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन विदेशी मेहमानों को इस रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाने लगे। यही वो दौर था जब येगवेनी पुतिन के करीब आए। उसके बाद येगवेनी को गवर्नमेंट काम दिए जाने लगे। हालांकि प्रिगोजिन का रोल हमेशा सस्पेक्टेड रहा था, लेकिन उनका असर खाने की मेज से कहीं आगे तक पहुंच गया था। प्रिगोजिन धीरे धीरे पुतिन का राइट हैंड बन गए। पुतिन से करीबी के चलते प्रिगोजिन लगातार मजबूत होने लगे और उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार कर ली। वैसे तो रूस में प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों पर बैन है, लेकिन प्रिगोजिन की आर्मी वैगनर को खास छूट दे दी गई थी। इस ग्रुप के लोगों को रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री से हथियार और ट्रेनिंग मिलती है। यह एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी और भाड़े के सैनिकों का एक नेटवर्क है। कई सालों तक दोस्तों वैगनर ग्रुप का राज छिपा रहा। मीडिया खबरों की माने तो वैगनर ग्रुप में शामिल ज्यादातर सोल्जर्स ऐसे हैं जिन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। उन्हें रूस की जेलों से रिक्रूट किया गया। प्रिगोजिन ने कई जेलों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया और हजारों अपराधियों को अपनी प्राइवेट आर्मी में भर्ती कर लिया। इतना तो तय है कि इसमें पुतिन की भी कोई सहमति जरूर रही होगी। धीरे धीरे वैगनर ग्रुप खुलकर सामने आने लगा। आखिरकार पिछले साल सितंबर में प्रिगोजिन ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही 2014 में वैगनर ग्रुप की स्थापना की थी। यह ग्रुप 2014 में सुर्खियों में आया जब इसने रूस की ओर से पूर्व डोनबास में यूक्रेन से लड़ाई लड़ी। जी हाँ, तब इसके सदस्यों की संख्या 250 थी, लेकिन आज वह संख्या 50,000 से अधिक हो चुकी है। येवगेनी ने रूसी सेना के साथ मिलकर वैगनर की प्राइवेट आर्मी को लीड किया था। चाहे वो अमेरिका में चुनावों में इंटरफेरेंस हो या फिर अफ्रीका और मिडल ईस्ट में युद्ध के लिए सोल्जर भेजना, हर काम येवगेनी देखने लगा था। हालांकि पुतिन पर वैगनर का मिसयूज करने का भी आरोप लगाया गया। 2017 से येवगेनी की वैगनर सेना ने माली, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लीबिया और मोजाम्बिक में मिलिट्री इंटरफेयर के लिए सैनिकों को तैनात किया। वहां येवगेनी को मीट ग्राइंडर भी कहा गया, जिस पर उन्होंने रिएक्शन देते हुए कहा था कि मीट ग्राइंडर की बजाय मुझे पुतिन का कसाई कहना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे वैगनर को उसकी सफलताओं का क्रेडिट मिलना शुरू हुआ, तो येवगेनी ने रूसी सेना को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। हालांकि पुतिन और रूसी सेना को यह पसंद नहीं आया। पुतिन और येवगेनी अब तक एक दूसरे के खिलाफ सीधे हमलों से बचते रहे हैं। यूक्रेन से युद्ध के समय प्रिगोजिन लगातार रूसी सेना पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये लगता है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सच में प्रिगोजिन का मिसयूज किया है? क्या एक क्रिमिनल को इतनी छूट देनी चाहिए थी कि वह देश में अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना ले? फिलहाल तो रूस पर आया खतरा टल गया है, लेकिन कब तक, इसके बारे में अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।